हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसी एडल्ट वेबसाइट्स के बारे में जो कि आपने मिस कर दिया, और 100% छोटी दे रहा हूँ कि ये सारी वेबसाइट्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। सभी में आपको एडल्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, और हाँ, ये सभी रेटिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है सीरीज। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कौन सी इंटरेस्टिंग सीरीज है हमारी इस वीडियो में। नंबर 5 पे फिल्टर सीरीज में स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़की की जो कि अपने बीएफएफ के साथ उन लोगों का शिकार करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं, और कैसे उनके पैसे लूट कर चली जाती है। लेकिन जब उसके पति को पता चलती है सारी बातें, तो उसका पति उसके साथ क्या करता है आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। सीरीज का अभी तक एक सीन देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको 15 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और ईच एपिसोड में आपको काफ़ी ज़्यादा एडल्ट सीन्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो IMDb ने 8.5 की रेटिंग दी है, और इसको आप अल्ट बायोलॉजी पर इंजॉय कर सकते हो। आगे आगे देखिए होता है क्या। नंबर 4 पे अपहरण सीरीज में स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़की की जो कि अचानक से किडनैप हो जाती है, और किडनैपिंग होने के बाद कब एक पुलिस ऑफिसर को ये केस मिलता है तो वो कैसे इसको हैंडल करता है और कैसे उस लड़की को बचाते हैं, वही सारी चीज़ें आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगी। सीरीज में आपको सस्पेंस सीरियस एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, और आप एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज के फैन है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है ये सीरीज। सीरीज की अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो IMDb ने 8.3 की रेटिंग दी है। इसका लगभग एक सीजन आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको 13 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। इस सीरीज को आप इंजॉय कर सकते हो अल्ट बायोलॉजी पर। हम बहुत प्रभावित हुए हैं सर आपसे, मां कसम सर। नंबर 3 पे ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 2 सीरीज में स्टोरी दिखाई जाती है एक कपल की जो कि अचानक से सेपरेट हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते जाते हैं, और अपने अपने रास्ते जाने के बाद वो अपने लवर्स को भी पाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लवर्स को पाते समय उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती, उन्हीं प्रॉब्लम्स को इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है। और अगर आप एक कल्ट रोमांटिक ड्रामा सीरीज के फैन है तो ये सीरीज आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इसकी अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो IMDb ने 9 की रेटिंग दी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेटिंग है। इसके अलावा आपको 2 सीजन देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि आपको 27 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और इसको आप इंजॉय कर सकते हो अल्ट बायोलॉजी पर। नंबर 2 पे है वर्जिन भास्कर सीरीज में स्टोरी दिखाई जाती है भास्कर त्रिपाठी की जो कि अपने इमेजिनेशन से कुछ ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है जिसके बाद वो अडल्टहुड में चला जाता है, और जाने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। इस सीरीज में आपको काफ़ी ज़्यादा अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, और हाँ, कॉमेडी का भी तड़का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो IMDb ने 6.7 की रेटिंग दी है, और इसके लगभग 2 सीजन देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि आपको 23 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, और इस सीरीज को आप इंजॉय कर सकते हो अल्ट बायोलॉजी पर। क्या हुआ? नंबर 1 पे पंचबेस सीरीज की स्टोरी उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली जो कि एक कॉलेज ड्रामा रोमांस के ऊपर कोई वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं स्टोरी की बात करूं तो इसमें स्टोरी दिखाई जाती है 2 लड़कों की जो कि बॉक्सिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और बॉक्सिंग के रिलेटेड उनको काफी ज्यादा नॉलेज होती है, और उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाता है जो कि एक डांसर होती है। अब वो लड़की उनमें से कौन से लड़के को प्यार करती है आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। सीरीज में आपको कॉमेडी सीन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, और अडल्ट सीन्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। इसके अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो IMDb ने 7.5 की रेटिंग दी है, और इसके लगभग आपको एक सीजन देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको 13 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और इसको आप इंजॉय कर सकते हो अल्ट बायोलॉजी पर। ब्रोकअप लास्ट नाइट।